सभी किसान साथियों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवध लाइफ खेती में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्प्रे पंप मशीन। आपको इंजन के साथ भी देखने को मिलेगी और बैटरी के साथ भी देखने को मिल जाएगी। आज के टाइम में जो भी हमारे किसान भाई आमतौर पर फसलें लगा रहे हैं, चाहे वो बागवानी की फसलें हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स की फसलें हैं, चाहे वो धान गेहूं गन्ना की फसलें क्यों ना हो, अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे किसान भाइयों की फसलों में देखने को मिल जाती हैं। अगर उन बीमारियों को दूर करना है तो हमें स्प्रे पंप का सहारा लेना पड़ता है। स्प्रे पंप के माध्यम से हम दवाई का स्प्रे करते हैं, तभी हमारी फसलें जो है पुनः उसी अवस्था में आती है जिस अवस्था में पहले होती है। और अगर हमारी फसलों में नीचे से कोई न्यूट्रिशन देना है या ड्रिंचिंग करना है तो हमें डायरेक्ट पौधे में ड्रिंचिंग करने के लिए हमें जो है स्प्रे पंप का सहारा लेना पड़ता है। आगे की नोजल खोल के डायरेक्ट जड़ों में जब हम दवाई देते हैं तो जो पौधे की ग्रोथ होती है उसका इंस्टेंट यानी तुरंत रिजल्ट मिलता है। आज दवाई डाली, कल से रिजल्ट दिखना उसका शुरू हो जाता है। इस मशीन के बारे में कंपनी के ऑनर हैं, जानकारी देंगे हर्ष भैया। हर्ष भैया का एक छोटा सा परिचय जानेंगे। नमस्कार हर्ष भैया। नमस्कार सर। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मेरा नाम है हर्ष गर्ग और मेरी कंपनी का नाम है राजसन एग्रो इंजीनियर्स। हमारा जो है स्प्रेमैन भी ब्रांड है, राजसन एग्रो इंजीनियर्स हमारी कंपनी का नाम है। पिछले 33 सालों से जो है हमारी कंपनी जो है तरह तरह के कृषि यंत्र बनाती है और जो हमारी कंपनी है वो 1989 मतलब 1990 से भी पहले शुरू हुई थी, जो मेन स्प्रे पंप के अंदर ही शुरू हुई थी। तो स्प्रे पंप के अंदर जो है हमारी महारत है, हम इसके लिए जो है वो कुछ गर्व भी है हमें इस चीज का कि हमारी जो है स्प्रे के अंदर इतनी बढ़िया जो है हमने अचीवमेंट करी है कि किसान जो है हमारे पंप जो है इस्तेमाल करते हैं उन्हें जो दवाई का रिजल्ट है वो 10 गुना ज्यादा मिलता है दूसरे स्प्रे पंप से। क्वालिटी में अंदर जो है फर्क दिखता है, लाइफ जो प्रोडक्ट की है उसके अंदर जो है जमीन आसमान का फर्क उन्हें मिलता है। बिल्कुल भैया, तो आज आप जो है कौन सी मशीन से, पहले बैटरी से करेंगे या इंजन वाली से करेंगे? हम जो है दिखाएंगे किसानों दोनों मशीनें, इंजन वाली, फोर स्ट्रोक, टू स्ट्रोक और बैटरी वाली। शुरू करते हैं सबसे पहले बैटरी वाली मशीन। बिल्कुल, जो है 20 लीटर की जो है ये इसकी टंकी है और ये जो है डबल मोटर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल स्विच लगी हुई है, सिंगल मोटर डबल मोटर। तो डबल मोटर है मतलब, डबल मोटर का मतलब कि अगर आपको लो प्रेशर पे रखना है, कम प्रेशर रखना है तो एक मोटर चला दीजिए, अगर आपको प्रेशर ज्यादा करना है तो इसको डबल मोटर के ऊपर चला दीजिए। बिल्कुल, उसके अंदर जो है ये आपको है जो साथ में सामान इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये क्लच वाला पंप है, तो इसमें जो है ये क्लच लगा हुआ है। आप इसको दबाएंगे तो मशीन आपकी जो है वो चालू हो जाएगी, इसको छोड़ देंगे तो रुक जाएगी। ये पीतल का नट और स्टेनलेस स्टील का पाइप है जो है अंदर से भी टेलीस्कोपिक है, मतलब ये जो है बीच में से ऐसे आप देख सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब मैंने जो है इसकी ये डबल हाइट जो है वो कर दी है जिसकी वजह से जो है आपको स्प्रे वगैरह अगर हाइट से भी करना, बड़ी फसलों में करना है, देखिए ऊपर से जैसे आपको नीचे भी करना है जमीन के ऊपर, तो आपको झुकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बागवानी के अंदर जैसे आप कह रहे थे कि बागों के अंदर करना है तो आसानी से आप देख सकते हैं कितनी हाइट पे कर सकते हैं। बिल्कुल, जमीन के अंदर जो है छोटी सब्जियों पौधों के ऊपर भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और इसके अंदर जो है 20 लीटर की हमने जैसे मैंने अभी आपको बताया टंकी है, और सबसे खास बात किसके अंदर जो ये डबल नोजल मिलती है, ये डबल नोजल जो है ये एक बार में दो मतलब जगह से फुहारे निकालती है। इसको आप जिधर मर्जी सेट कर सकते हो, एक पौधे की जड़ के ऊपर, एक पौधे के पत्ते के ऊपर, या दो लाइनों के ऊपर करना है, या गन्ने में जैसे कि आपको पौधे के जैसे नीचे करना है, तो इस प्रकार से आप इसको जो है ऐसे हाइट उठा के ऊपर से नीचे की तरफ भी स्प्रे कर सकते हैं, या ऐसे सीधा लाइन में चलते जाएंगे तो आपके दो लाइनें जो है वो कवर होती जाएंगी। बिल्कुल, तो ये डबल नोजल इसकी डबल मोटर पर ही काम आती है। और भी जो इसके साथ आपको सामान मिलता है वो आपको जो ये चार्जर जो है वो हैवी चार्जर मिलता है, आप देख सकते हैं कि 1.7 एम्पीयर का बड़ा चार्जर इसके साथ जो है वो दिया जाता है। और जो इसके अंदर नोजल दी जाती है वो भी आपको दिखाएंगे, इसके अंदर जो है चार फुहारे वाली नोजल, कट वाली नोजल, और ये पीतल की नोजल जो आप देख सकते हैं, और ये एक जो है इसके अंदर ये ज्यादा फुहारे वाली नोजल जो है सारी मिलती है। तो कुल मिला के 5 नोजलें जो है इस मशीन के अंदर मिलती है। और जो सबसे बड़ी खासियत बात है कि हमारे जो पंप के अंदर, तो इसके अंदर जो ये आपको है इसके जो बेल्ट वगैरह है वो भी आप देख सकते हैं कि चौड़ी लगी है स्टील के कुंडे। इसके अंदर मैं दिखाना चाहूंगा कि हमारे जो स्प्रे पंप में बैटरी निकालने का जो तरीका है वो मोबाइल के ढक्कन की तरह है, कुछ नहीं करना है किसान भाई को, ये खाली पेच हटाना है, ये जो है कवर ऐसे हट जाएगा और ये ढक्कन खोल के आप किसान भाई जो है इसके अंदर से ये बैटरी ऐसे जैसे हम मोबाइल में निकालते हैं ये देखिए ये बैटरी इस प्रकार से इसके अंदर से निकल जाती है। और ये जो है 12 वोल्ट 12 एम्पीयर की बैटरी है, पूरी हैवी बैटरी है। और जो अभी मैं आपको इसका जो है वो वजन भी दिखाता हूँ ताकि आपको जो है विश्वास हो जाए। अभी ये देखिए हमने जो है इसको कंडे को 0 के ऊपर जो है आप देखिए यहाँ सेट कर दिया है,
3 किलो 410 ग्राम की बैटरी है। बिल्कुल, कहने को तो बैटरी 12-12 की है, बट ये जो काम करती है ये 12-18 से भी ज्यादा का जो है वो काम करती है। मार्केट में लोग जो है वो क्या करते हैं जी, कि इसके ऊपर बड़े बड़े स्टिकर लगवा देते हैं 12-15, 12-20 की, पर वो बैटरी का वजन करो, कोई वजन करके नहीं दिखाता, 2.5 किलो की बैटरी, 3 किलो की बैटरी होती है, जिससे जो है टंकी भी उनकी कम लगती है, बैटरी की लाइफ भी कम होती है। बिल्कुल, हमारे स्प्रे पंप से अगर आप डबल मोटर पे काम कर रहे हो तो 20 टंकी और सिंगल मोटर पे काम कर रहे हो तो 30 टंकी जो है आप एक बैटरी के चार्ज से आप लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, जैसे अगर बात करूं इसकी, अगर एक बार में अगर इसे चार्ज करते हैं फुल, तो कितनी टंकी स्प्रे हो सकती है? फुल चार्ज करने के बाद आपको इसके डबल मोटर पे 20 टंकी और सिंगल मोटर के ऊपर आप 30 टंकी इसके साथ लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 20 से 30 टंकी। जी जी जी। अगर अगली मशीन पे चलते हैं, ये जो अभी देख पा रहे हैं इसमें कौन से 2 स्ट्रोक की सबसे पहले जानकारी लेते हैं? जी जी जी, ये हमारा है रासन 89999 मॉडल टर्बो का। टर्बो का मॉडल क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इसके अंदर हमने जो है आप देखिए साइड में टर्बो जो है हमने इसके अंदर लगाई हुई है, ये जो एयर वेसल लगा हुआ है, और इसके अंदर जो है आप डबल सक्शन कर दिया, आप देख सकते हैं कि एक पानी ये यहाँ से खींचता है और एक पानी जो है ये इधर वाले पाइप से इसके अंदर खींचा जाता है, तो दो जगहों से ये खींचता है। 2 स्ट्रोक इंजन है, मतलब पेट्रोल के अंदर 2 TL मिलाना पड़ेगा। बिल्कुल, जो है इसके अंदर जो ये चोक वगैरह की सिस्टम दिया, और जो स्टार्टर है ये भी आप देख सकते हैं पूरा एल्यूमिनियम का स्टार्टर है, हैवी ड्यूटी, और जो रस्सी है वो भी आप देख सकते हैं इजी स्टार्टिंग इसके अंदर हमने दी हुई है। अगर हम बात करें इसकी जाली की, तो आप देख सकते हैं कि लंबी जाली जो है हमने इसके अंदर जो है वो दी हुई है किसानों को। और अगर हम बात करें इंजन के ऊपर, तो ये देखिए हमने इसके ऊपर इंजन, आप देखिए इसका जमीन को कभी भी बेस को टच नहीं करेगा, इसका जो इंजन है वो डबल बेस पे कसा हुआ है, एक पत्ती ऊपर है एक पत्ती नीचे है, और बीच में रबड़ दी हुई है, उसके ऊपर जो है इंजन टका हुआ है, जिस वजह से इंजन जितनी मर्जी आपकी जो है वो आप देख सकते हैं कि वाइब्रेशन ये हिल रहा है, ये देखिए बिल्कुल, पर आपका स्प्रे पंप जो है वो नहीं हिलेगा, जिससे जो किसान इसको चला रहा है उसको वाइब्रेशन जो है इसके अंदर नहीं महसूस होगी। बिल्कुल, पीछे की तरफ भी हमने जो है इसके अंदर पैड वगैरह दिया हुआ है, बेल्ट भी जो है वो लेदर की चमड़े की हमने इसके अंदर दी हुई है, यहाँ तक कि जो हमने इसके ये कुंडे वगैरह भी लगाए हैं, आप देख सकते हैं कि हमने टंकी के अंदर नहीं लगाई, अलग से ऊपर की तरफ लगे हैं। बिल्कुल, जिसका क्या बेनिफिट होता है कि कल को अगर आपका जैसे कि कुंडा टूटता था या लीकेज वगैरह होती थी तो सारी की सारी टंकी ही बदलनी पड़ती थी। बिल्कुल, पर अगर इसमें कुंडा टूटता है तो खाली 2-4 नट खोल के आपका खाली ये पत्ती बदल जाएगी, पूरी की पूरी टंकी के ऊपर नहीं बदलना पड़ेगा, और लोड भी टंकी के ऊपर नहीं आता है जब वजन होता है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, और जो इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो इसके अंदर जो है वो 34F का इंजन लगा हुआ है, हैवी ड्यूटी, और जो पंप लगा हुआ है आप देख सकते हैं कि पंप जो है हमने इसके अंदर, आप पीछे देखिए, हमने इसके अंदर जो है वो स्टील का पाइप जो है हमने दिया हुआ है, नॉर्मल पंपों के अंदर जो है वो आपको जो है वो इसके अंदर स्टील का पाइप नहीं मिलता है, रबड़ का पाइप मिलता है, बट इसके अंदर आपको हमने स्टील का पाइप दिया हुआ है, जो ग्रीस कप है वो भी इसके पीतल के दिए हुए हैं, और ये सारा पोर्शन जो है ये सारा का सारा पोर्शन भी पीतल है, इसको आप जितना मर्जी खुचते रहिए पत्ती से लोहे से, ये आपको पीतल ही नीचे की तरफ से निकलेगा। फ्यूल की खपत कैसे क्या होती है इसकी? सर जो है ये एक लीटर के अंदर जो है वो तकरीबन 20 से 25 टंकी जो है वो लगा देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो है इसके अंदर गन भी दी हुई है, ये भी हमने पूरी पीतल की दी हुई है, यहाँ पे भी पीतल का नट है, यहाँ पे भी इसका स्पिंडल भी जो है वो भी ब्रास का है, और ये जो है पूरा फिटिंग के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके साथ आपको प्रेशर कम ज्यादा करने की सुविधा आप यहीं से जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अंदर जो है ये वी पैकिंग भी आपको साथ में एक स्पेयर किट हम मशीन के साथ देते हैं, ताकि कल को आपकी अगर रबड़े वगैरह खराब हो जाए तो किसान भाई जो है वो खुद ही खुद इसको चेंज करवा सकता है, एक बार में उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। बिल्कुल। अगर 2 स्ट्रोक के साथ अगर 4 स्ट्रोक में चलते हैं, 4 स्ट्रोक में क्या क्वालिटी है, क्या चीजें हैं? 4 स्ट्रोक के अंदर जो है हमारा आप देख सकते हैं कि वही रासन 89 1000 टर्बो मॉडल हमने जो है इसके अंदर दिया हुआ है, जिसके अंदर हमने जो है बड़ा इंजन लगाया हुआ है 40cc का, जो प्रॉपर एयर क्लीनर के साथ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एयर क्लीनर, फोम वाला एयर क्लीनर इसके अंदर हमने दिया हुआ है, और जो इसका हमने स्टार्टर दिया है वो भी जो है आपको अल्यूमिनियम का इसके अंदर जो है स्टार्टर हमने प्रोवाइड करा है, जिससे जो है आपका जो काम है वो और बढ़िया तरीके से हो सकता है। और जो इंजन है इसके अंदर भी टर्बो हमने यहाँ पे लगाई हुई है, आप देख सकते हैं पंप के पीछे टर्बो इसके अंदर लगी हुई है, डबल सेक्शन वाला पंप है, मतलब पानी इधर से भी खींचेगा और इधर से भी आपका जो है वो पानी ये टंकी में अंदर से खींचता है। बिल्कुल। 25 लीटर की इसकी जो है वो टंकी की कैपेसिटी है, और प्रेशर बहुत ज्यादा है, जो इसके अंदर देखने वाली बात है कि इसके अंदर भी हमने जो है स्टील का ऊपर जो है पाइप इस्तेमाल किया हुआ है, जो ऊपर वाला पाइप है लोग अपने मार्केट में देख सकते हैं, कोई भी लोग जो है वो बहुत ही कम कंपनी है जो स्टील का पाइप इस्तेमाल करती है, सब यहाँ पे प्लास्टिक का पाइप लगाते हैं। बिल्कुल। और जो इसके साथ हमने जो गन दी हुई है आप देख सकते हैं कि वो हमने जो है ओरिजिनल, आप देख सकते हैं कि स्प्रे जेट की जो है, यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यह इसके ऊपर स्प्रे जेट इटली। बिल्कुल। लोग बोलते हैं इटालियन गन, वो भाई साहब वो चाइनीज गन होती है, यहाँ पे जो है आपको स्प्रे जेट इटली की ओरिजिनल गन जो है वो आपको दी जाएगी, जो कि
मार्केट में आपको जितनी भी गन्ने मिलेंगी, लोग जो इटालियन गन बोल के देते हैं वो ये वाली गन्ने बोल के देती है जो साफ ही साफ चाइना की बनी होती है। कोई भी आपको ये मार्किंग के साथ आपको कोई नहीं दिखाने सकता। और इस गन के अंदर वजन का फर्क, प्रेशर का भी बहुत ही ज्यादा फर्क है। जमीन कम से कम 7 फुट का प्रेशर का जो फर्क आता है इन दोनों गन के अंदर, और इनके अंदर वजन भी जो है वो 20 गुना का फर्क है। ये जो है हल्की मटेरियल की बनी हुई है, इसके अंदर जो सामान एल्यूमिनियम बढ़ता है वो कम है, जिस वजह से ये बहुत ही जल्दी टूट जाती है, तिड़क जाती है। पर इस गन के साथ ऐसी कोई समस्या जो है किसानों को नहीं आती है। और ये गन आप जो है इन पंपों के साथ भी चला सकते हैं, या आप जो बड़े ट्रैक्टर वाले पंप होते हैं उसके साथ भी जो है ये स्प्रे जेट की इटालियन ओरिजिनल इटालियन गन जो है वो चला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, सारी जानकारी आपने दी, काफी बेहतरीन जानकारी है, मशीन भी काफी अच्छी है। बट सबसे अहम बात ये हो जाती है कि हमारे किसान भाई खरीदेंगे, प्राइस क्या रहने वाला है अभी? जी, प्राइस की हम बात करते हैं तो वैसे जिस हिसाब से हमने ये क्वालिटी लेवल दी है जिसका प्राइस तो काफी ज्यादा होना चाहिए, बट हमने जो है इसको मार्केट को देखते हुए ही मार्केट में कम्पेटिटिव रेट में दी है। तो बात करते हैं सबसे पहले जो है हमारे 4-स्ट्रोक पंप की। जो 4-स्ट्रोक का पंप है जिसमें 25 लीटर की टंकी है, 4-स्ट्रोक का इंजन है, एल्यूमिनियम का स्टार्टर है, डबल सेक्शन वाला पंप है, टर्बो लगी हुई है, तो ये हम जो है किसानों को 12,500 का देने वाले हैं घर पे पहुंचा के, होम डिलीवरी जी। और साथ में आपको देंगे हम इसके साथ ओरिजिनल स्प्रे जेट इटली की गन, ओरिजिनल गन मिलेगी आपको, ये कॉपी वाली चाइना वाली गन नहीं मिलेगी, ना ही आपको ये नॉर्मल वाली, ओरिजिनल 4-स्ट्रोक के साथ 12,500 के अंदर स्प्रे जेट इटली की गन मिलेगी। डबल सेक्शन का पंप मिलेगा, पीतल की रस्सी मिलेगी, टर्बो मिलेगा, पीतल का पंप मिलेगा, 1 किलो 550 ग्राम की टंकी होगी, पूरा का पूरा अगर कोई टेक्निकल आप मुझसे जानकारी चाहते हो तो वो सब चीजें मिलेगी। स्टेनलेस स्टील का इसके अंदर जो है प्लंजर इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, अगली के क्या प्राइस, जो 2-स्ट्रोक में है इसका क्या प्राइस देने वाले? 2-स्ट्रोक वाला जो मॉडल है हमारा रास्टन 89999, जिसके अंदर डबल सेक्शन भी हमने इसके अंदर भी डबल सेक्शन कर दी है। मार्केट में अभी तक सिंगल सेक्शन थी, हमने इसके अंदर भी डबल सेक्शन कर दी है, वही जो हैवी ड्यूटी लंबी हमने इसके अंदर गन करी है। तो ये आपको पड़ेगा 9,500 रुपए का, 9,500 रुपए घर तक, ये घर तक डिलीवरी वाला। बिल्कुल, बैटरी वाले की क्या प्राइस रहने वाली है? बैटरी वाला पंप 20 लीटर की टंकी, 5 नोजल, जिसमें ये डबल नोजल अलग से स्पेशल आपको दी जाएगी, और साथ के साथ ही आपको 3 किलो 400 ग्राम की बैटरी, हैवी चार्जर, ये सब सामान आपको जो है करके आपको जो है 4200 रुपए की घर पे पहुंचा के दी जाएगी, घर तक डिलीवरी। जी जी भैया, सारी चीजें होंगी, लेकिन इन मशीनों पे कुछ वारंटी भी मिलती है या नहीं? जी, 1 साल के इनके ऊपर जो है वो वारंटी मिलती है, बैटरी के ऊपर जो है वो भी मिलती है, और जो है पंप के ऊपर भी मिलती है, कंपनी की जो है वो 1 साल की किसानों को कवरेज दी जाती है। बिल्कुल, मंगाने का क्या प्रोसेस रहने वाला है? मंगाने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उसके ऊपर आप फोन करें, जानकारी ले, पसंद आने पे आपको बुकिंग अमाउंट करानी होगी। बैटरी वाले पंप की 1500 रुपए बुकिंग अमाउंट है, और जो ये इंजन वाले पंप है इनका जो है वो 2500 रुपए बुकिंग अमाउंट है। बुकिंग अमाउंट कंपनी के अकाउंट में डाले, अपना एड्रेस दे, मशीन हम यहाँ से भेज देंगे, मशीन जब नजदीकी ट्रांसपोर्ट में पहुंच गई तब बाकी का पेमेंट करके अपनी मशीन आप ले सकते हैं। बिल्कुल, तो हर्ष भाई आपने काफी बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई, जैसा कि अभी गोभी लगी हुई है, मिर्च लगी हुई है, या बागवानी की फसलें आपने लगा रखी है, तो आम तौर पे अभी देखने को ये मिल रहा है कि बीमारियां जो है बहुत ज्यादा आ रही हैं, और अगर टाइम से आपने स्प्रे नहीं किया तो 1 से 2 घंटे में कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं फसलों को खत्म कर देते हैं, और कुछ कीटाणु वैसे होते हैं कि 2 से 3 दिन में आपकी फसलों को खत्म कर देते हैं। तो आपको देरी नहीं करना है, डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पे कॉल करके आप जो है, अगर आप गोभी वगैरह की छोटी मोटी खेती करते हैं तो आप बैटरी सेगमेंट में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे बागवानी वगैरह करते हैं, या गन्ना की खेती, या धान गेहूं की खेती है, या वेजिटेबल्स ही क्यों ना है, तो आप जो है इस पे जा सकते हैं। ये पेट्रोल के साथ ऑपरेट होती है, इन दोनों मशीनों में से किसी पे आप जाके इसे ले सकते हैं। क्वालिटी काफी अच्छी है, वारंटी भी आपको साथ में मिल रही है, रेट भी काफी वाजिब है। तो किसान भाई, मैं आशा करता हूं आज की वीडियो काफी अच्छी और बेहतरीन लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों के ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो फिर से मिलूंगा इसी तरह की यूनिक और नई वीडियो लेकर स्प्रे मैन कंपनी से, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।